एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी हाँ, आप ही से बात कर रहा हूँ। भाई साहब अंडरवेयर खरीद रहे ना, क्या कह रहे, ठीक से सुना नहीं? अरे भाई साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, अंडरवेयर ये वाला, जी हाँ ये वाला अंडरवेयर खरीद रहे हैं ना। भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं कहीं अंडरवेयर खरीदने में आप कंजूसी कर रहे हो, कुछ अपनी जेब में बचत कर रहे हो? अब आप कह रहे हैं कि ये अंदर की बात है? जी नहीं, ये अंदर की बात नहीं है, ये अर्थशास्त्र की बात है, इकोनॉमिक्स की बात है। हाँ आपका सवाल मैं समझ गया कि आप कहेंगे कि भाई मेरे अंडरवियर खरीदने ना खरीदने से इकोनॉमी का क्या लेने देना। तो मैं बताऊं जनाब, काफी गहरा संबंध है और मैं आपको उसको प्रूफ करके भी बताऊंगा। लेकिन आप इस गलतफहमी में होंगे कि भाई मैं इसको बताऊं या ना बताऊं क्या फर्क पड़ता है, इसको तो पता नहीं चलेगा। तो मैं आपको बताऊं, आपके अंडरवियर खरीदने ना खरीदने की जो भी जानकारी है वो हमको पता चल जाएगी, और मुझे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता चल जाएगी। कैसे, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। तो मैं बात कर रहा था कि भाई आपके अंडरवियर का कनेक्शन कैसे अर्थव्यवस्था के साथ। तो मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल के जरिए। इनसे मिलिए, ये जो शख्स है ये है अमेरिका फेडरल रिजर्व बोर्ड के पूर्व चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन। तो एलन ग्रीनस्पैन जो थे वो बहुत ही ज्ञानी इंसान थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1970 में एक इंडेक्स तैयार किया। इस इंडेक्स का इन्होंने नाम दिया मेंस अंडरवियर इंडेक्स। इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने जो इनरवियर होते हैं जिसे चड्डी बनियान कहा जाता है, उसको उसकी सेल्स को लेकर ये इंडेक्स पूरा तैयार किया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन्होंने बोला कि अगर पुरुष जो हैं वो अंडरवियर कम खरीदते हैं तो समझ लीजिए कि मंदी की आहट सुनाई दे रही है, और अगर इसमें बिक्री में तेजी आती है तो समझ लीजिए कि जो अर्थव्यवस्था है उसकी पटरी जो वो पटरी पर तेजी से दौड़ रही है। अगर आपको अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं हुई तो मैं आपको एक और अच्छे आसान एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। अब देखिए, जो एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं जब मंदी आती है तो लोग अपने खर्चों में कटौती करते हैं। तो ऐसे ही एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो एज अ पेरेंट्स अगर आप हैं तो क्या बच्चों के लिए डायपर खरीदते हैं? तो उस डायपर को ज्यादातर अमूमन 4 से 5 घंटे चलाया जाता है, एक डायपर को। अब अगर मंदी आएगी तो क्या करेंगे, खर्चों में कटौती करेंगे, तो उस डायपर को क्या करेंगे पेरेंट्स की चलो 7 से 8 घंटे चला लिया जाए। तो उससे क्या होगा, डायपर की डिमांड तो कम हो जाएगी, उसकी मांग में कमी आ जाएगी, लेकिन इससे नुकसान क्या होगा, बच्चों को रैशेज आ जाएंगे, और रैशेज आने का मतलब क्या होगा कि पेरेंट्स जाएंगे रैश क्रीम लेकर आएंगे तो उसकी डिमांड यहाँ पर बढ़ जाएगी, तो इससे पता चल जाएगा। उसी तरीके से अगर जो पुरुष है, जो आदमी है, मेंस है, वो अंडरवियर खरीदना कम कर देंगे, उसकी सेल्स में कमी आएगी, तो इससे साफ संकेत मिलेंगे जो जो एलन ने बताया कि मंदी की एक आहट सुनाई दे रही है, यानी जो मेंस अंडरवियर इंडेक्स है वो आपको पहले ही संकेत दे देगा, सचेत कर देगा कि भाई मंदी की आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि अंडरवियर की सेल्स में गिरावट दर्ज की गई है। और ये बात उन्होंने बहुत लॉजिकली बोली, और साथ में इसका असर दिखा भी, इसका प्रूफ दिखे भी, क्योंकि 2000 हम बात करें, 1990 की बात करें, 2001 की बात करें, या फिर 2007 की बात करें, ये एक ऐसा दौर था जब मंदी की सुगबुहाट सुनाई दे रही थी, मंदी के संकेत दिखाई दे रहे थे, और ऐसे में तब मेंस अंडरवियर इंडेक्स ने ये बताया कि जी हाँ मंदी आ रही है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ बिजनेस से जुड़े हर एक अपडेट को जानने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए सबसे पहले देखते रहिए बिजनेस टुडे। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।